रहा रांडा वाटरफॉल, ये है नेकलेस वाटरफॉल। यहाँ पर शूटिंग हुई है जॉन अब्राहम, दिशा पटानी, अर्जुन कपूर की जो मूवी है एक विलन रिटर्न्स की। कि बार बार रुक के व्यू देखने का मन कर रहा है, फोटो खींचने का मन कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन के यहाँ पर, जो कि है भंडारदारा। भंडारदारा पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा सह्याद्री माउंटेन रेंज का। और यहाँ पर एक वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा, ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस भंडारदारा की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, साथ ही साथ ये बताऊँगा कि आप भंडारदारा कैसे आ सकते हो, भंडारदारा आपको कैसे घूमना चाहिए, कौन कौन सी प्लेसेस आप देख सकते हो, और ये जो आप देख रहे हो क्लाइमेट, ऐसा वेदर आपको कभी मिलेगा। तो कंप्लीट गाइड मैं आपको करूँगा भंडारदारा के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और भंडारदारा को एक्सप्लोर करते हैं। भंडारदारा एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भंडारदारा मुंबई से 165 किलोमीटर, पुणे से 170 किलोमीटर, तो इगतपुरी से 41 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भंडारदारा कैसे पहुँचना है। भंडारदारा आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है इगतपुरी का। इगतपुरी बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप मुंबई से, पुणे से या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी बड़े आसानी से पहुँच सकते हो इगतपुरी। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका टेंशन नहीं है, बहुत सारी ट्रेनें रुकती है। इगतपुरी से भंडारदारा की दूरी मात्र 40-41 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो इगतपुरी से आपको बसेस मिल जाएगी। बट एग्जैक्ट भंडारदारा पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से आपको प्राइवेट गाड़ी बुक करना पड़ेगा, अगर आप ग्रुप में हो तो बेस्ट है। और अभी मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से एकदम मस्त व्यू दिख रहा है, ये मेरे बैक साइड, और ये घाट रास्ता है, और यहाँ से भंडारदारा लगभग 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी मैं भंडारदारा जा रहा हूँ अपने स्कूटी से, जैसे कि आप देख सकते हो इससे जा रहा हूँ मैं, और मैं निकला हूँ मुंबई से। तो यहाँ तक आने का रास्ता तो पूरा सही है, जो हाईवे है मुंबई नासिक वो है, उसके बाद वो अंदर का रास्ता है ना, वहाँ पे 12 किलोमीटर का पैच है ना, वो ख़राब है थोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा संभल के गाड़ी चलाओ। और अभी मैं खड़ा हूँ बारी विलेज में, जो कि कलसुभाई का बेस विलेज है। यहाँ से कलसुभाई दिख रहा है, ये है कलसुभाई, यहाँ पर है कलसुभाई एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपको कलसुभाई आना है तो आप इसी रास्ते से आ सकते हो। और यहाँ से भंडारदारा लगभग 8-9 किलोमीटर है यहाँ से भंडारदारा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप भी खुद की गाड़ी से आए, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा अंदर है। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, तो खुद की गाड़ी अगर आपके पास है तो बेस्ट है भंडारदारा घूमने के लिए। तो भंडारदारा में अभी पहुंचने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बाकी है। बट वहाँ तक जाने का जो रास्ता है ना, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इतना खूबसूरत है ना, मानसून के टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्लस रास्ता थोड़ा ठीक ठाक है यहाँ पर, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो आ सकते हो आप। और व्यू तो एकदम अच्छा है, एकदम जंगलों के बीच से जा रहे हैं हम। ये देखिए रास्ता, देखिए कितना मस्त है, सही है रास्ता है। फाइनली मैं भंडारदारा पहुंच गया हूं, और यहां तक आने की जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी थी। बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए ख़राब रास्तों से चलना पड़ता है हमको। तो अभी मैं यहां की प्लेसेस सब एक्सप्लोर करने वाला हूं, कौन कौन सी है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां का जो सबसे नज़दीक है वो है अम्ब्रेला फॉल्स, वो दिखाने वाला हूं। तो ये अम्ब्रेला फॉल्स काफ़ी नज़दीक है भंडारदारा से, तो मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, भंडारदारा में पहुँचा तो यहाँ पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए, है ना तुम तो गोकुल गाड़ी का गणेश गाड़ी कर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मिलके। तो कसा वाटतो व्हिडिओ आला तुमचा? हो, खूप छान असतो तुमचा व्हिडिओ, आम्ही नेहमी बघतो तुम्ही पण बघा, आणि एकदा बोला लाईक करा, लाईक करा, सबस्क्राइबर करा, खूप छान व्हिडिओ असतात सरांची। ठीक आहे, चला भेटून बरं वाटलं। कॅमेरा पहिला लोकेशन अम्ब्रेला वॉटरफॉल,
तो ये जो भंडारदारा है मेन गांव, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, आप किसी से भी पूछ सकते हो। गूगल मैप के भरोसे मत रहो, किसी से पूछ लेना, यहाँ पर आप आओ और देखो। और अभी हम लोग काफ़ी दूर है, इसके नीचे भी जा सकते हैं, तो नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ, तब तक आप ऊपर से थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। और ये है ये डैम, तो डैम का जब पानी भरता है तब यहाँ से पानी बाहर निकलता है, तभी आता है। तो आपको मैं बता दूं कि अम्ब्रेला वाटरफॉल के यहाँ पर शूटिंग हुई है, जो अभी लेटेस्ट मूवी आई है जॉन अब्राहम की, जो कि है एक विलन रिटर्न्स। तो उसका अगर आप ट्रेलर देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा जॉन अब्राहम और दिशा पटानी खड़े हैं, पीछे एक वाटरफॉल दिख रहा है। तो ये वाटरफॉल है, वो अम्ब्रेला वाटरफॉल्स। तो आप सोच सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों अभी मैं पहाड़ के नीचे आ गया हूँ, और मतलब कि वाटरफॉल है उसके एकदम नीचे आ गया हूँ, और यहाँ से हमें एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं 15 मिनट पहाड़ चढ़ के रांधा फॉल के एकदम ऊपर आ चुका हूँ। ये देखिए रांधा फॉल, तब एकदम नीचे था मैं पहले, भी ऊपर आ चुका हूँ, तो उसके लिए आपको 15 मिनट का चेकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी कैसा व्यू दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो प्लेस हम देख रहे हैं वो है भंडारदारा डैम, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बांध बनाया गया है, और बांध के ऊपर से मैं चल रहा हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया है यहाँ पर, तो पानी पूरा फुल हो जाता है, तो इसके ऊपर से पानी बह के बाहर जाता है वहाँ तक, ठीक है। तो अभी सेफली चलना इसलिए चल रहा हूँ, लेकिन जब पानी बहता रहेगा तब आप बिल्कुल ना चले। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है एकदम, तब सामने का पूरे पहाड़ विहाड़, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो पहली बात तो कि आज वीकडे है करके ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे नहीं दिख रही है, और दूसरी बात कि आज का जो मौसम है ना, एकदम धूप वाला मौसम है, पूरा धूप निकला है, थोड़ा भी बारिश नहीं हुआ है, सुबह से एक बूंद भी बारिश नहीं गिरा है, और यहाँ पर अभी भी धूप है, पूरा सर पर आ रहा है, तो अच्छी बात है, व्यू देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ से हमको बहुत सारे और भी मतलब फोर्ट्स है, माउंटेन और सब दिखाई दे रहे हैं। ये है कलसू भाई, और ये सब उसका किरडा शकीरडा, और इसके ये सब लाइन में है एम के, जो यहाँ से नहीं दिख रहे, तो बहुत सारे फोर्ट्स यहाँ से दिखाई देते हैं। और व्यू देखिए कितना मस्त है व्यू। आथर लेके यहाँ पर आपको छोटे मोटे होटल मिल जाएंगे, और आज वीकडे तो होटल ओपन है, रोज़ ओपन दर रोज़ ओपन रहते ना, तो वीकडे में भी होटल ओपन रहते हैं, तो आप कुछ खा सकते हो। तो अभी मैं मैगी ऑर्डर किया मैंने, और मैगी यहाँ पर 20 रुपये में, और यहाँ पर आप मस्त व्यू देख के आथर लेक का मैगी खा सकते हो। तो भूख लगी है मुझे, क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, तो मैगी खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं रोड के किनारे अभी खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब जगह इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है ना, कि बार बार रुक के व्यू देखने का मन कर रहा है, फ़ोटो खींचने का मन कर रहा है। और एक बात बताओ मैं आपको कि यहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं चल रहा है, बाकी वोडाफोन और एयरटेल कभी कभी आ रहा है, बट जियो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अजीब बात है, जियो हर जगह पहुँच जा रहा है, बट भंडारदारा में जियो नहीं पहुँच रहा है। तो आप कैश कैरी करें, ऑनलाइन यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। भंडारदारा में आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे, एक दो नहीं है। तो मैं आपको कुछ फेमस वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ,
तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है नानी फॉल्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये यहाँ पर है वाटरफॉल और यहाँ पर ऐसा ब्रिज बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बैठ के फ़ोटो खींच सकते हो। और यहाँ से एक जाने का रास्ता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं सीधा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर और जैसा कि देख सकते हो ये बनाया गया है सेफ्टी के लिए और वाटरफॉल को और नज़दीक से देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं। शुरू हो गई है और मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के एकदम टॉप पे और इसके लिए बनाया रास्ता पूरा है, सेफ्टी है, तो यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इन गुफाओं के नीचे। ये है गुफा, यहाँ पर बैठ के आप आराम से खा पी सकते हो, बट कचरा मत करना, कचरा वापस लेके जाना। वाह, और वाटरफॉल जो है ठीक हमारे सामने है, यानी कि यहाँ पर ये है वाटरफॉल जो ये पहाड़ से गिर रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी जो वाटरफॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाटरफॉल आपको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली लड़कियों को पसंद आएगा, क्योंकि ये है नेकलेस फॉल। ये वाटरफॉल का जो स्ट्रक्चर है ना वो नेकलेस के जैसा दिखता है, तो इसके लिए नेकलेस फॉल नाम दिया गया है इसको। और जैसे कि आप देख सकते हो ये रोड है जो कि पूरा ख़राब है, ये रोड पे से ही इसका व्यू दिखता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपना आज का जो फाइनल डेस्टिनेशन है रांधा फॉल्स। और ये जो वाटरफॉल है ना, या रांधा फॉल्स है जो है ना, ये भंडारदारा का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर तो आपको विजिट करना ही चाहिए। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मतलब पॉइंट बना के रखे हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, पीछे भी एक पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट से आप व्यू देख सकते हो। तो मैं हर एक पॉइंट से आपको व्यू दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पीछे वाले पॉइंट पर लेके चलता हूँ। और यहाँ पर है पार्किंग स्पेस, टू व्हीलर का 10 रुपीज़ है, कार का 30 रुपीज़। एक बात अच्छी है कि यहाँ पर मतलब अच्छे से बैठने बैठने के लिए बना है, तो आप बैठ के कुछ खा भी सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। और बहुत सारा व्यू पॉइंट बनाया है यहाँ पर, तो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग व्यू देखने को मिल रहा है। और अभी बारिश कम है करके थोड़ा जो क्या बोलते हैं लेवल कम है, वरना क्या खतरनाक लेवल रहता है। अभी हम लोग रांधा फॉल के दूसरे व्यू पॉइंट पे आए हैं और यहाँ से काफ़ी खतरनाक व्यू दिख रहा है, और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ये मंदिर है यहाँ पर और ये जी का पानी पूरा नीचे जा रहा है, पूरा कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से बैठ के इस वाटरफॉल का व्यू देख रहा हूँ और यहाँ से एकदम खतरनाक व्यू दिख रहा है, आप एकदम इंच पे ना बैठे, ठीक है। अभी मैं आया हूँ रांधा वाटरफॉल के सबसे आखिरी पॉइंट पे, तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए, लास्ट पॉइंट है और यहाँ से भी एक वाटरफॉल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको हर एक जगह पैसे से व्यू देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ आप चले जाइए।
तो अभी बात कर लेते हैं भंडारदारा के टूर प्लान की। तो भंडारदारा की जो पॉइंट वाले जो प्लेसेस है ना, टूरिस्ट प्लेसेस, वो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। तो जितने भी प्लेसेस मैंने आपको दिखाई है, उतना आप 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया है वो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और दिन यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पर बहुत सारे फेमस ट्रेक कर सकते हो, जैसे कलसुबाई कर सकते हो, सांदन वैली कर सकते हो, रतनगढ़ कर सकते हो। अगर आपको वन डे ट्रिप मारनी है तो जैसा मैंने मारा आप वैसा मार के जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं बजट की। तो यहाँ पर आपको होटल आराम से मिल जाएंगे, होटल आपको सस्ते भी मिलेंगे, 1000 रुपये तक मिलेंगे, इवन 2000 तक भी मिलेंगे। तो मैं 1000 रुपये वाला होटल कंसिडर करता हूँ। तो एक दिन का होटल अगर अपना रुकना चाहते हो तो उसका 1000 रुपया एंड फूड का 500 रुपया और आपका जो घूमने का खर्चा आएगा, मैंने आपको जैसा बोला ना, खुद की गाड़ी बेस्ट है यहाँ पर घूमने के लिए, तो उसका जो आपका खर्चा है वो पकड़ लो आप 500 रुपया 1000 रुपया पेट्रोल का। तो 2 से 2500 में, 2000 में आप भंडारदारा घूम लोगे। मैं मुंबई से आया हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं वन डे में करके जा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ पेट्रोल का और खाने का ही देना पड़ रहा है। तो मेरा 1200 रुपये तक मेरा आराम से हो जा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप मुंबई, पुणे या आसपास रहते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको भंडारदारा की टूरिस्ट पॉइंट भंडारदारा पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम भंडारदारा।